अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी जो है ना, सुबह सुबह के टाइम पे हम कर रहे थे जी माल की पैकिंग, और आज तो बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग हो रही है क्योंकि सबकी चीज़ें जो है ना वो बड़ी पैकिंग में है, और अभी छोटी पैकिंग में ना चीज़ कम हो गया, तो फिर इसलिए लोग ना बड़ी पैकिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो खैर वो भी चलती है, ये भी चलती है। तो बस हमारे यहाँ ना ये माल के बड़े मज़े मज़े के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर जी आ चुकी है रेवड़ी, और ये जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त वाली रेवड़ी है। तो ये नरम होती है और खाने में भी इतनी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इसमें भी क्वालिटीज़ है ना, हर चीज़ की क्वालिटीज़ होती हैं। और इसी तरह इसकी क्वालिटी है कि कुछ अप होती हैं, कुछ डाउन होती हैं। तो जो डाउन वाली है वो तो हम करते नहीं हैं पैक, बस कभी कभार सिर्फ जिनको 20, पहले 10 वाला होता था और अब वो 20 में आ चुका है, तो वो देनी हो तो फिर है। लेकिन ये जो ज़बरदस्त वाली रेवड़ी है ना, ये जो है ना बस इसका तो जायका ही कुछ अलग है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यही लेते हैं। तो जी फिर अब्बू तो चले गए थे माल वगैरह लेकर ना, तो नाश्ता भी हमने कर लिया था उसी दौरान तकरीबन। तो उसके बाद ना ये कुछ खजूर थी, तो अब्बू बोल कर गए थे कि इसका आपने ना मिल्क शेक बनाना है। तो हमने कहा चलें जी हम बना लेते हैं। और खजूरें जो है ना थी ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा, और इसका जूस भी बहुत मज़े का बनता है। तो लेकिन अभी तो बन रहा है, और हमने ना इसमें दूध और चीनी डाल के ना तो बस इसको नॉर्मल सा कर लिया था। तो ये जूस बना के हमने फ्रिज में रख दिया। तो फिर मम्मी कहती हैं चलो अभी फ्री हैं तो लाओ ना मैं सब्ज़ी बना लूँ। तो हमने कहा चलें जी सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो है ना तोरियाँ कर रही हैं। तोरियाँ वैसे भी हमारे घर में ना बड़ी फेवरेट है सबकी। तो और जो है ना उस दिन लेकर आए थे, हमने किसी से ली थी, तो जो हमारे हमसाए ना उनसे ली थी, तो उन्होंने भी दी, और उसी दिन अब्बू भी ले आए। तो फिर हमने वो एक दिन पका ली और अभी एक दिन ये। तो ये जो है ना देसी बिल्कुल घर की हैं, और वैसे भी दूसरी भी सही होती हैं लेकिन ये हमें पता है पक्का कि ये घर की हैं। तो इसको जो है ना हम बनाएंगे। अभी अब्बू बोल रहे थे कि इसको ना गोश्त डाल के बनाओ, तो हमने कहा चलें जी इसमें हम गोश्त डाल लेते हैं, गोश्त तोरी हो जाएगा। शाबाश। और जी अभी हम सब्ज़ी वगैरह बना रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश आ गई थी एकदम से, और वैसे भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश आ गई थी। तो जैसे ही बारिश रुकी ना तो फिर बाबा आए थे, और बाबा लेकर आए थे हमारे लिए ये जो है ना आलू वाले नान, मेरे तो इतने ज़्यादा फेवरेट हैं। तो मैंने बोल रखा था अब्बू को कि कभी ना आप लेकर आइएगा, तो आज बारिश थी तो मौसम अच्छा हुआ था तो लेकर आए। और ये जो जूस था ये उनके लिए सरप्राइज़ था, तो हमने क्योंकि उनके बना ले गए थे तो किसी दिन बना लेना, खजूर दी ना हमें तो कहते हैं किसी दिन बना लेना, तो हमने उसी दिन बना लिया। तो कह रहे थे ये देखें आज मैंने आपको सरप्राइज़ दिया है और आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया है। तो हमने कहा चलें जी ठीक है। और ये आलू वाले नान इतने ज़बरदस्त थे, पहले ना कभी कभार हमारी गली में लेकर आता था एक जो है ना बंदा, तो उनसे जो लेते थे ना वो ज़रा हल्के होते थे, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त हैं। अभी तो वो आता नहीं है महंगाई की वजह से शायद। तो ये वाले नान बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत इंजॉय किया हमने दोपहर को। तो चाय नहीं बनाई तो फिर जो है ना जूस वगैरह के साथ। और यहाँ पे ना फिर बाद में जब शाम हुई तो मैंने इन तोरियों को तैयार कर लिया था, इनको ना मैंने सिर्फ फ्राई किया है थोड़े से घी में और नमक मिर्च डाल के ना, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया था क्योंकि उसको हमने डालना है गोश्त में। तो इसमें ना मैंने टमाटर मिर्च डाली हैं, कुछ भी नहीं डाला, तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने डाल ली हैं गोश्त में। और अब जो है ना गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई भून लेंगे और उसके बाद जो है ना उसमें तोरियाँ डाल देंगे। तो ये दही तो मैंने गोश्त में डालना ही होता है लाजमी, इसके बगैर तो मैं गोश्त बनाती नहीं हूँ। और अम्मी मुझे बोल रही थी कि तोरियाँ तुम अलग से फ्राई करना, और क्योंकि गोश्त को अगर भून के उसमें तोरियाँ डालोगी ना तो वो सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से फिर जो है ना मैंने अब पहले उसको भून लिया था, और अब जो है ना वो गोश्त को कर रही हूँ। और जो है अच्छा सा जब भून जाएगा ना तो फिर उसमें डालेंगे, फिर उसमें अच्छी खुशबू भी आएगी। और ये नमक मुझसे गिर गया था, और अभी जो है ना मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना चूल्हा गंदा इतना बुरा लगता है, बहुत उलझन आती है मुझे, कोफत आती है चूल्हे की। खैर ये तो थी सफाई की बात। और यहाँ पे ना गोश्त मेरा हो चुका बिल्कुल फ्राई, और मतलब भुन चुका है, ये फ्राई तो नहीं हम इसको कह सकते, भुन चुका कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाली हैं इसमें तोरियाँ भी, और मम्मी जो है ना रोटियाँ बना रही हैं।
तो क्योंकि टाइम हो चुका था खाने वगैरह का, तो हमने सोचा कि चलो जी बना लेते हैं, रोटी बना देते हैं, जैसे ही अब्बू आएंगे फिर खा लेंगे, क्योंकि उनके आने तक रोटी तैयार होनी चाहिए। और जी यहाँ पे तोरियां वगैरह तो हो चुकी हैं तैयार, इसमें पानी तो मैंने डाला नहीं है बिल्कुल भी। जैसे तोरियाँ डाली हैं तो गोश्त का भी जो है ना सही हो गया था और जायकेदार भी बहुत था। तो अभी जो है ना ये तो हो गया तैयार, और साथ साथ हो जाएंगी रोटियां भी तैयार, क्योंकि जैसे ही अबू ने आना होता है ना उनको बस चाहिए होती है रोटी। अगर बनी ना हो तो फिर वो बड़ा ऐसे करते हैं कि अभी तक बनाई नहीं है, लेकिन अगर बनी हो तो फिर 5-10 मिनट डिले भी करके खा लेना खाना, तो फिर भी कोई मसला नहीं होता। कि कभी ऐसे होता है कि नमाज़ का टाइम हो जाता है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद खा लेते हैं, तो इस तरह से। लेकिन अगर बनी ना हो तो फिर हमारी शामत आ जाती है अच्छे वाली। यहाँ पे अभी बस अम्मी ने रोटियाँ बना ली हैं और मेरे हांडी बना ली है। तो जी टाइम से खाना वगैरह बना के तो मैं चली गई थी आंटी के घर, अम्मी भी थी साथ मेरे, तो मैं भी, तो मैंने कहा चलें जी। और जब मैंने अमरूद तोड़े थे ना वो पिछले व्लॉग में यहाँ से, तो सब बोल रहे थे कि इसकी सफाई तो कर देते भाई, इतना बड़ा सेहन है तो सफाई क्यों नहीं की। तो हमने जी करनी शुरू कर दी है। अभी ये जो है ना हाफ रह चुकी है और हाफ आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त हो गया। तो जाहिर है साथ साथ नहीं किया जाता, इतना बड़ा जब होता है ना तो साथ साथ नहीं की जाती। तो फिर अभी जो है ना उन्होंने करवा दिया स्टार्ट सफाई वगैरह, तो ये भी बंदा लगवाया हुआ था, वैसे तो मुमकिन नहीं है ना कि बंदा कर सके। तो फिर उसने एक दिन में आधी ही की है, तो जब आधी हो जाएगी तब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना अमरूद तो समझ लें कि एक किस्म के ना ख़त्म ही हो चुके हैं। तो ये जो है माल्टे हैं, अभी हम माल्टों पे धावा बोलेंगे, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फल लगे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इसको और फैलाए, तो बड़े ज़बरदस्त लगे। लेकिन अमरूद जो है ना अब तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं। और मैं वीडियो बना रही थी तो वीडियो बनाते बनाते ना मुझे एक अमरूद नज़र आ गया, तो फिर मैंने वो मेहर को बुलाया, मैंने कहा भाई मुझे ना अमरूद उतार के दो, क्योंकि जब जो सामने लगे होते हैं ना वो नज़र आए ना इतना अच्छा पेड़े से लगता है, तो उसको खाने का बड़ा दिल करता है। तो यहाँ पे वो गिर चुके नीचे, और जो मैंने उसको बताया था ना वही नीचे आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये निकला भी सही था। तो मैंने अभी चेक कर लिया, ज़ाहिर ऊपर से ताज़ा ताज़ा उतारे थे, इसको हम धोते वोते नहीं हैं, हम इसको बस खाने की करते हैं। तो ये जो है ना मैं अभी चेक कर रही थी कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कीड़े भी पड़ जाते हैं ना कुछ को ऊपर ही। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो अभी मैंने जो है ना तोड़ लिया, मैंने कहा चलो मैं अभी खा लेती हूँ। मैं उमेर को मैं बोल रही थी, मैंने कहा तुमने भी लेना, तो लड़का था नहीं मैं ढूंढ लेता हूँ आप खाएं, तो मैंने कहा शुक्रिया। और इतना मीठा था, एंड पे आके इतने मीठे हो रहे हैं कि क्या बताया जाए, बहुत ज़बरदस्त थे। और जी फिर उसके बाद यहाँ पे हो चुकी है रात, और अब्बू आए थे तो हमने सोचा कि चलो अभी हम खाना खा लेते हैं। तो क्योंकि अब्बू को भी भूख लगी हुई थी काफ़ी, और फेवरेट डिश बनी हुई थी ना तो तोरियाँ और गोश्त, क्योंकि अब्बू ने ही बोला था कि ये बना लेना, क्योंकि हमारा दिल था कि चलो हम बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन अब्बू ने बोला कि नहीं तुम लोग ना इसको तोरियों में डालना। तो हमने कहा चलें जी हम तोरियों में डालेंगे, इतना ज़बरदस्त था, पहले कभी नहीं वैसे हमने तोरी गोश्त बनाई ना, तो लेकिन अभी बनाई है, फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े के। अब्बू भी तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत मज़े का खाना बनाया आज। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही बनता है, कहते हैं हाँ हाँ रोज़ ही बनता है। तो जो है ना हमारे घर में वैसे भी ना जो जो भी चीज़ बने ना हम मज़ेदार सी बनाते हैं, तो फिर सबको पसंद आती है।